कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 48 शिक्षकों ने बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति अध्यक्ष मंडली सदस्य पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद स्थित वार्ड नंबर 1 में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को COVID-19 से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध करवाई। इसी दौरान साबुन और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष मंडली सदस्य पंकज कुमार सिंह ने कहा कि खतरनाक कोरोना वायरस से आम लोगों को बचाने के लिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर लाखों 48 शिक्षकों द्वारा सभी BRC परिसर में जारी राज्य व्यापी अनिश्चितकालीन धरना को तत्काल स्थगित कर COVID-19 के खिलाफ पूरे बिहार में वार्ड स्तर पर कोरोना बगाव समाज बचाओ जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस को लेकर के जो आज समाज के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है, जो एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। आप सबको जानकारी है कि आज 28वां दिन हम लोग हड़ताल पर हैं। बावजूद आज समाज के ऊपर जब संकट आया है तो पूरा बिहार का 5 लाख शिक्षक आज सड़कों पर खड़ा होकर के समाज को कोरोना से बचाने के लिए उतरा है। और हमारा जो यह अभियान है, यह प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक जो लोग हैं, आम लोग हैं या नेतृत्वकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनके साथ मिलकर के समाज को कोरोना से बचाने के लिए आज हम लोगों का यह अभियान पूरे बिहार के 3800 जिला में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जारी है। और हमारा अपना एक मिशन है इसके पीछे कि समाज बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। और कोरोना जिस तरीके से अन्य देशों में या भारत में, अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोरोना का जो स्टेज है वह भारत में अभी दूसरा स्टेज में है, जहाँ ये माना जा रहा है कि अभी जो यहाँ पर संक्रमित रोग जो मिल रहा है वह रोग जो है जो अन्य देशों से जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा या उन लोगों में पाया जा रहा है। लेकिन अगर यह तीसरा स्टेज में चला गया, जब यहाँ के लोगों में यह संक्रमित होने लगेगा, तो फिर इस देश में इस महामारी से बचाने के लिए बड़ा भयानक स्थिति उत्पन्न होगा इस देश के अंतर्गत। ऐसी स्थिति इस देश में ना उत्पन्न हो, चूँकि शिक्षक हमेशा समाज से जुड़ा रहा है और समाज की परेशानियों को, समाज की तकलीफ को, समाज के संकट को दूर करना इनकी अपनी एक अपना चरित्र है, स्वभाव है, संस्कार रहा है। तो उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को तीसरे स्टेज में नहीं जाने देंगे। इस कोरोना वायरस को इस भारत में फैलने से पहले समाज में सावधानी बरत करके, उपाय बता करके, या जो उपलब्ध संसाधन है जो हम शिक्षकों से बन पा रहा है, मास्क हो, साबुन हो, सैनिटाइजर हो, जो भी चीज़ हो, इनका हम यथासंभव समाज में जो अंतिम तबका है समाज का, वहाँ तक हम इसको ले जा करके इस कोरोना से इस समाज को बचाएंगे, इस राज्य को बचाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, कोरोना भगाओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ। और इसी अभियान को हम पूरे राज्य के 3800 जिला में ले जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 1 में हो रहा है, कल दूसरे वार्ड में होगा, परसों तीसरे प्रखंड में होगा। हर जगह हमारा यह टीम जो आप देख रहे हैं, यह टीम पूरा मजबूती से इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम समाज से मिलकर के, समाज को जागृत करके कोरोना को भगाएंगे, कोरोना से समाज को बचाएंगे। साथ ही जो डर है लोगों में, उस डर को भी हम लोग अपना जो एक बचाव का जो तरीका है वो तरीका बता करके समाज को में जो एक डर है, हम बता रहे हैं कि डरिए मत, सावधानी बरतिए, कोरोना हमारा कुछ नहीं करेगा। हम सावधानी बरतेंगे तो कोरोना को हम खत्म कर देंगे, किसी भी तरह के संकट हमारे समाज में नहीं आएगा। इसी को लेकर के हमारा ब्लंट टीवी के लिए बिहार से सोनू कुमार की रिपोर्ट।